वैसे तो हमारे देश के हर राज्य की अपनी ही खासियत है, लेकिन आज का ये दिन पंजाब के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 1 नवंबर 1966 को पंजाब को हरियाणा और हिमाचल से अलग कर एक पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया, जिससे पंजाब और पंजाब के लोगों को एक नई पहचान मिली। इसीलिए हम हर साल 1 नवंबर को न्यू पंजाब डे के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन अब दुख की बात ये है कि आज भी भाषा के आधार पर बने इस सूबे में पंजाबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया नहीं गया है। माना के वर्तमान समय में पंजाब ने बहुत तरक्की की, लेकिन क्या उस वक्त हमने जिस नए पंजाब की कल्पना की, क्या ये वही पंजाब है? आज हम जब भी सुबह उठते हैं तो हमें मालूम होता है कि कल बीती रात फिर किसी एक किसान ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर ली। दोपहर होते होते हमें खबर मिलती है कि दिन दिहाड़े आज फिर किसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, और फिर रात होते होते ये भी पता चल जाता है कि आज फिर हमारी कोई बहू या बेटी दहेज की बलि चढ़ गई, और हमारे युवा शायद उनके पास नशा करने के अलावा अब कोई काम ही नहीं बचा। ये सारी बातें सुन के अब हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि शायद अब ये बातें हमारी आदत बन चुकी। मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, क्या ये है हमारा नया पंजाब? आखिर में मैं यही कहूंगा, हम सबको सच्ची और पवित्र सोच को अपनाना होगा, और फिर अपने इस नए पंजाब को और भी खुशहाल बनाना होगा।